नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक इसमें हम लोग 3 चैप्टर आपके देख चुके हैं। ये है आपका चौथा चैप्टर, इसमें बात करेंगे कृषि। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आप लोग जान पाएंगे कि हमारे देश में किस तरह से खेती की जाती है, कृषि की जाती है, और हमारे देश के किसानों की और विकसित देश में जो उनके बीच क्या फर्क है, हमारे यहाँ किस तरह से कृषि करते हैं किसान और अमेरिका हो गया या अन्य देश हो गए वो किस तरह से कृषि करते हैं, और कौन कौन सी कृषि हमारे यहाँ होती है। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही मजेदार रहने वाला है। तो मैं बार बार वही बोलता रहता हूँ कि इन सभी बुक्स को आपको एक कहानी का रूप देकर पढ़ना है, वो बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल शब्दों में कहानी का रूप दे दिया गया है और आपको समझाने के लिए कई तरह से उदाहरण पेश किए गए। आपको सब कुछ समझ जाएंगे, बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान की खेत को खेत में की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया गया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञान तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं बहुत ही साधारण शब्द में, जैसे आपके यहाँ गाय दूध देती है तो ये किस क्रिया में आ गया, प्राथमिक क्रिया में। फिर आपके यहाँ से दूध जाता है डेयरी में, जहां भी जाता है वहां वो केक में बदला जाता है या उसे चॉकलेट बनाया जाता है उससे जिस तरह से, तो ये जहां बनाया जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और फिर आपने देखा होगा कि आप ऑर्डर करते हैं, उसे मंगाते हैं, तो जो वो सेवा देता है, भेजता है उसे, वो होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन शब्दों एगर या फिर एग्री जिसका अर्थ है मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशु धन पालन इसमें शामिल है आपकी कृषि में। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, यानी कि कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यहाँ किसान आपकी फसलें उगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में साकेंद्रित है जहां फसलें उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। देखिए, ये आपका कृषि क्षेत्र है, ये दिख रहा है, ये भारत में देखिए, लगभग पूर्ण भारत में आपका कृषि क्षेत्र उपलब्ध है। यूरोप में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका,
ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये प्रशांत महासागर हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है, ये आपका अंटार्कटिका है। चलते हैं आगे हम लोग, एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम को के कि कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह एक कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। बीटी कल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं, बीटी कल्चर। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां फूलों और फलों को उगाना आपका हॉर्टिकल्चर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके या तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या फिर आपके वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के, या प्रीलिम्स में आपके क्रम से लगाने के लिए आ जाएंगे, तो इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। फिर आपका कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। कृषि करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीज चाहिए होता है, उर्वरक चाहिए होता है, मशीन चाहिए होती है, श्रम चाहिए होता है, जुताई बुआई और सिंचाई निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के लिए के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अगर आप लोग कृषक परिवार से हैं तो आप बेहतर इस अध्याय को समझ पा रहे होंगे। देखिए, कृषि गत भूमि की कृषि पद्धति, रसायन हो गया, जुताई बुआई छिड़काव, फसल हो गई है, बीज, मशीनरी, ट्रैक्टर हो गया, फिर आपका भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, मानवीय निवेश, ये आपका भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश, तापमान, ढाल, मृदा, वर्षा। अब हम लोग आगे चलते हैं, कृषि के प्रकार देखते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये प्रकार है आपके निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि की हम लोग बात करें तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आत्मनिर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु, उर्वरक मैदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में आपका गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया की सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में विचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवारी चलवासी पशु चारण भी आपका शामिल है। जैविक कृषि आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि, इसे आप लोग झूम कृषि भी बोलते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में विचलित है ये कृषि। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में है।
वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या फिर दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ लेगा, किस तरह पूछेगा, अन्य स्थानांतरित कृषि है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में से क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में से, रोपा कहते हैं ब्राजील में, लद्दांग कहते हैं मलेशिया में। ठीक, अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाए कहीं तो आप लोग इसे याद रखिए। फिर आपकी चलवासी कृषि, सॉरी चलवाली, चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में पिछले थे। इस प्रकार की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती। पशु चारक मुक्ता भेड़, ऊंट, मवेशी या बकरियां पालते हैं। एक पशु चारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ, आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में जब कटाई हो जाती है गर्मियों के मौसम में, तो ऊँट और भेड़ लेकर लोग आपकी बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, राजस्थान तरफ से ऊँट और भेड़ों को चराने के लिए आपके क्षेत्र, उन्हें शायद बंजारा कहते हैं आपके क्षेत्र में, जो भी कहते हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानते हैं, बंजारा वही लोग होते हैं। बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टर के बड़े फार्म से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, यह आपकी गन्ने की रोपण कृषि है। पर आपकी मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि जैसे आपने गेहूं का टाइम है इस समय, तो गेहूं भी उग रहा है, उसी में आप चारे की व्यवस्था कर लेते हैं और गाय या भैंस पाल लेते हैं या बकरी पाल लेते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन कर लेते हैं। इससे क्या है, आपकी आय बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, आय बढ़ जाती है। अगर आपकी कृषि खराब हो रही है तो आपका भरण पोषण जो दूसरा क्षेत्र है आपसे उससे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन किसान अपने यहाँ भारत में अधिकतर ये नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि उन्हें, अब आपने देखा होगा एक खेत में जहाँ एक आदमी की जरूरत है वहां घर के पूरे 5 मेंबर लगे रहेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 5 हैं तो एक कृषि कर ले, 5 अलग अलग काम कर लें तो इनकम भी बढ़ जाएगी और उनका जीवन भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं रोपण कृषि। वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बेहद पैमाने पर श्रम
और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या फिर निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ये आपकी केले की रोपण कृषि मुख्य फसल है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। फिर आता है आपका चावल। यह विश्व की मुख्य मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रुकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन आपका चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, जापान, फिर उसके बाद श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। धान रोपाई हो रही है, देखिए। फिर आपका गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। आपका देखिए हार्वेस्टिंग चल रही है गेहूं में कसस करता। फिर आपका मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और कच्चे से उच्च माध्यम से तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ये आपकी बाजरे की कृषि। फिर चलते हैं मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। यह आपकी मक्के की कृषि। मक्का को कॉर्न भी कहा जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए देख रही होंगी आपको रंग बिरंगी प्रजातियां। कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहे दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है कपास की कृषि। पर आपका पटसन। इसको सुनहरा रेशे के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन की अग्रणी उत्पादक है। कॉफी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील काफी कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। इसके पश्चात आपका कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। कॉफी की कृषि देखिए। कॉफी की कृषि का एक इतिहास है। क्या इतिहास है? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था अपने बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा।
जिन्हें उसने बकरियों जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। यही थी आपकी कॉपी। चाय बागान में उगाई जाने वाली एक प्रिय फसल है चाय। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय की रोपण कृषि पर्याप्त कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से भी यह कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा होता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों और सामान्यतः जीव गोवर्धन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दो फार्मों, एक भारत दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जान पाएंगे और हम लोग समझ पाएंगे इससे कि भारत के किसानों की क्या स्थिति है और दूसरे देश जैसे आपका अमेरिका है तो उसके देशों की स्थिति, उसके किसानों की स्थिति क्या है। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो तो आपकी खाद्य सुरक्षा होती है। तो इसमें हम लोग पहले जब पैराग्राफ में बात करते हैं, भारत का एक फार्म ले लीजिए या भारत की खेती का देख लीजिए। किसानों की आदत, यहाँ आप खेत जोतते हुए किसान बैल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आपके क्षेत्रों में अभी भी इस तरह की कृषि होती है, इस तरह से लोग करते हैं, किसान अभी भी जुताई करते हैं हल बैल से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टर का एक फार्म है। याद रखिए कितना, 1.5 हेक्टर का। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम दो फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल फिर दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास दो भैंसें, कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के विकास, पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या फिर कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के
के लिए कुछ कदम उठाए। याद रखिए, इस किसान के बारे में आपने देखा है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दिमाग चलाने के बाद, फिर भी हमारे किसानों की हालत गंभीर है। ठीक है, अब चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। कितना है? बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टर है। कितना? 250 हेक्टर। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। किसान क्या करता है? वहीं रहता है जहां उसका फार्म होता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहां उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के किसान के वॉरन के पास 300 हेक्टर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह अस्वस्थ हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर दें। देखिए, पहले ही से वो तैयार रहता है सोच के। ठीक है, वो अपने आप बीज डाल दो, बुआई कर दो, होगी तो अच्छा, नहीं होगी तो अच्छा। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। और अपने यहाँ कितने लोग अपनी मिट्टी का जांच परीक्षण करवाते हैं? ना के बराबर। उसके पर्याप्त पोषक है या नहीं मिट्टी, उसे चेक करवाता है। परिणाम जो हॉरन के को वैज्ञानिक और उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर, यहाँ की खेती में कंप्यूटर यूज हो रहा है, देखिए उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक और संयुक्त हार्वेस्टर थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेती या किसान की तरह। देखिए किस तरह से यहाँ उर्वरकों यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है ड्रोन से। ठीक है, तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी विकसित देश की खेती करे कृषि के बारे में और भारत की स्थिति। अब आप लोग तुलना करके देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके PDF टेलीग्राम पर डाल लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करके रख लें और जब भी टाइम मिलता है एक बार उससे रिवीजन कर सकते हैं। ये अच्छे से सुन लीजिए और निकल जाइए। तो ये था आपका अध्याय 4। अध्याय 5 में हम लोग बात करेंगे उद्योग के बारे में।